नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु पटेल आपके बीच फिर एक नए वीडियो के साथ में प्रस्तुत हूँ, जो हमारी सीरीज है 20वीं सदी के 100 प्रसिद्ध भारतीयों में। जो अगला नाम आता है वह है CDS जनरल बिपिन रावत जी का। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में। CDM जनरल बिपिन रावत की जिंदगी के कुछ हम अहम पड़ाव के बारे में बात करेंगे। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक क्षेत्रीय परिवार में हुआ। उनका परिवार चौहान राजपूत परिवार और उनकी मां परमारम क्षत्रिय वंश से थी। जनरल बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। जनरल रावत ने 1978 में सेना के 11वें गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से अपना करियर शुरू किया था। तो अब हम जानते हैं बिपिन रावत जी की ट्रेनिंग के कुछ अहम ट्रेनिंगों के बारे में, जो कि हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, अमेरिकी सेना कमान और जनरल स्टाफ कॉलेज बिपिन रावत वेलिंगटन और हायर कमांड ऑफिसर भी किया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने PhD उपाधि से सम्मानित किया गया है। दिसंबर 1978 में इन्हें बिपिन रावत कमीशन ऑफिसर बने और 31 दिसंबर 1916 को जनरल रावत थल सेना प्रमुख बन गए। पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत 60 साल की उम्र में को 2019 में देश का पहला चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाया गया। इन्हें कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जो कि ये परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मंडल, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक एवं अन्य कई पदकों से ये सम्मानित किए गए हैं। तो अब हम जानते हैं इन्हें कौन सा पद कौन सी तारीख को दिया गया था। इन्हें सबसे पहला पद मिला था सेकंड लेफ्टिनेंट का, जो कि मिला था 16 दिसंबर 1978 में। लेफ्टिनेंट 16 दिसंबर 1980 को नियुक्त किए गए थे और यह कैप्टन के रूप में 31 जुलाई 1984 में और मेजर के रूप में 16 दिसंबर 1989 में। लेफ्टिनेंट कर्नल 1 जून 1998 में, कर्नल 1 अगस्त 2003 में और ब्रिगेडियर के रूप में 1 अक्टूबर 2007 में। मैनेजर जनरल 20 अक्टूबर 2011 के रूप में। लेफ्टिनेंट जनरल 1 जून 2014 में, जनरल 1 जनवरी 2017 में और यह CDS के रूप में 30 दिसंबर 2019 के में नियुक्त किए गए थे। अपने चारों दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOCC, दक्षिण कमान, सैन्य संचालक निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया है। जूनियर कमांड विंग में सैन्य सचिव की शाखा और वरिष्ठ प्रशिक्षण व संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे हैं और उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कामना संभाली थी। गोरखा ब्रिगेड से COS बनने वाले चौथे अधिकारी बनने से पहले रावत थल सेनाध्यक्ष बने। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें उनके करियर का एक मुख्य आकर्षण म्यांमार में 2015 का सीमा पार ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय सेना ने NSCN के आतंकवादी द्वारा घातक लगातार हमलों की बात की गई थी और इन्होंने एक सफलतापूर्वक उन्हें जवाब भी दिया था। यह मिशन रावत की देखरेख में दीमापुर स्थित गोर के ऑपरेशन कमांड से चलाया गया था। जनरल रावत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का भी हिस्सा था, जिसमें भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चली गई थी। रावत नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के घटनाक्रमक की निगरानी कर रहे थे। अपनी सेवा के दौरान जनरल रावत को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक और सेना सेवक पदक से अलंकृत किया गया था, यानी कि पुरस्कृत किया गया था। और इनका निधन एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से हो गया था, जो कि थी 8 दिसंबर 1921 में कुन्नूर तमिलनाडु की जगह पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय